हेलो दोस्तों, तो इस टाइम हम जा रहे हैं शिमला की तरफ। तो पीछे आप देख रहे हो आशीष भाई और रामा डांडा, और ये है भाई ड्राइवर। तो अभी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी शिमला या बस स्टैंड पर। राम राम भाई, सर हम जा रहे हैं शिमला। अरे आप देख लग रहे हो ऊपर तय कपास को नहीं बर्फ है, अरे हरियाणा वाले आड़े भी पहुंच गए हैं और पूरा स्वाद ले रहे हुए हैं। ला देखो भाई बर्फ जमानू बगन करा खड़ा धुमा ठा रखे कति, और भी दिखाऊंगा इबे तो फोन भी दसिया जमा बर्फ में। ये देखो यहाँ पर शिमला में बर्फबारी बहुत चुके, देखो आप मेरे कोट पर देख रहे होंगे। रामबाग सर चलते हुए रामबाग डांड आइए, देखिए फुल एंजॉय लेते हुए। तो दोस्तों फुल एंजॉय दीप ने नीड ऊपर के साथ में आप बने रहिए हमारे लिए। देखिए आशीष फुल एंजॉय करते हुए सड़क के बीच बिल्कुल बीच में और रामबाग डांडा। ये हो गया ना पछता है बस आ गई गई ये भाई मन ना कोने ये आड़ा पटुआ पूरा जिस दमा जी सारे कच्चे गटे गति साला पट गया गाड़ी के पास देख अंधे बर्फबारी शुरू हो गई गाड़ी पास के देखा आप इन को वीडियो को बर्फ देख ना तू अल्लाह बर्फ दिखाने के बर्फ दिखा जा रही इसकी बर्फ आ रही बर्फ आ तारू तार ले भाई यहां पर ओ देख लो भाई बर्फ ये देखो भाई देख लो भाई बर्फ बड़ा सा लाओ गोला यार इतने का क्या होता है गोला तो तुम इसके उठा देने का। ये देखो ये देखो कितनी बर्फ हमारी गाड़ी ये देखो भाई फुल एंजॉय शिमला में स्नोफॉल हो रही है आशीष डांडा और यहाँ पर और भी काफी पब्लिक मिले यहाँ पर शिमला में भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम मानवजीत सिंह है। अच्छा कहाँ से आए हो? पंजाब से। ये भाई पंजाब से है और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर शिमला में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम है, बर्फ में खेल के बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही आए क्या? नहीं मुझे चार दिन हो गए। चार दिन हो गए, चलो भाई को चार दिन हो गए और हम आज ही आए हैं तो यहाँ पर काफी इंजॉय ले रहे हैं। चलो और यहाँ पर काफी लोग इनसे पूछते हैं यहाँ पर कैसा लग रहा है इनको ना, इसमें थोड़ा सा हो तो इसमें हमारा भी हो जाता है। ये देखिए भाई कहाँ से आप? पंजाब से। एक मिनट सर। नमस्कार सर। सर आप शिमला पहुँचे हो, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हरियाणा के रहने वाले हैं जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के। हिसार डिस्ट्रिक्ट के। आप कितने दिन आपको यहाँ पे आए? मेरे को दो ही दिन हुए हैं सर आते हुए। ठीक है, पहले भी कभी आए हो आप यहाँ? नहीं पहले नहीं आए सर, पहली विजिट है जी अपनी। फर्स्ट विजिट है? हाँ जी पहली। ठीक है, और ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है जी। मैं हरियाणा से हूँ। आप कैसे आए सर? हमारा तो हम इकट्ठे आए थे तीन फ्रेंड, तो यहाँ पर दूसरा दिन हमारा और हमें यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आपके साथ मिले तो हमें और भी यहाँ पर खुशी हुई। ओके 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 जी। और स्नोफॉल आपको कैसा लग रहा? स्नोफॉल का नाम जमा जी सर है जी, जमा तोड़ बैठ गए, मतलब दूसरा दिन हमारा कमरा कार्यक्रम शुरू। और कितने दिन से स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर? आज ही देखिए जी, हमने दो ही दिन हुए हैं जी आया, कल तो कुछ जैसे कि आप देख रहे हो हमारे जी सर है। और यहाँ पे कैसा लगा आपको? जमा बिल्कुल बढ़िया लगा जी। हम तो ये बोलेंगे जो भी जितने भी दर्शक अपनी न्यूज देख रहे हैं वो भी एक बार जरूर विजिट करें। आप क्यों आए यहाँ पे? और आगे हम कुफरी के लिए भी निकलेंगे एक दो दिन के बाद में। और कुफरी में माहौल चाल कैसा रहता है वहाँ पे? यहाँ से तो बेटर, और भी ज्यादा बेटर है वहाँ पे कुफरी में मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे इससे ज्यादा स्नोफॉल है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तो मैं ऐसा ही बोलूँगा पब्लिक को जितने भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद में आप कुफरी के लिए निकले, वहाँ पर भी आपको यहाँ से भी बेटर इंजॉय मिलेगा। और अपने दोस्तों को कोई कुछ कहना चाहोगे आप? दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि यहाँ आए और हमारी तरह मजे करें। ओके, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जैसे कि हमने देखा है
यहाँ पे हरियाणा से आए हैं कुछ लोग जो कि शिमला में आए हैं, बहुत ही आनंद ले रहे हैं। तो भाई कहाँ से आए आप? पंजाब से भाई। ये पंजाब से तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हम 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए तो कैसा लग रहा आपको आज? बहुत ही बढ़िया मौसम है भाई, नज़ारा आज। और मतलब आप कौन कौन से प्लेस पर गए हो? कुफरी गए हैं भाई। कुफरी गए हैं, लक्कड़ की मार्केट बनी हुई है और एक चर्च है देखने वाला, बहुत बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। और जैसा कि रामबाग के हाथों में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बर्फबारी है और आप देख सकते हैं, आप हाथ में ले सकते हैं बर्फ को। और जैसे अपने रुई वाले कपास उड़ती है ना, वैसे ही हम बर्फ उड़ रही है। और ये वीडियो बने रहिए चैनल के साथ में। बाय बाय, डन। 5-10 मिनट के लिए अपने रूम पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 3-4 दिन के लिए ये रूम लिया हुआ है। तो अभी कुछ टाइम यहाँ पर 10-15 मिनट आराम करने के बाद में फिर निकलेंगे आगे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस देखने के लिए। तो फिलहाल देखिए रूम में यहाँ पर एक ये गर्म हीटर रखा हुआ है और अभी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है रुकने की। जैसा कि हमारा पहले ही कॉन्टैक्ट हो चुका था, यहाँ लाइटिंग की, वॉशरूम वगैरह है। और ख़ास करके यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आज हम पहुँचे थे, हमारा भाग्य है कि आज ही हमारे को बर्फबारी देखने को मिल गई। जैसे अपने रुई होती है ना फोली, वैसे यहाँ बर्फ़ पड़ती है। ऐसा नहीं कि जैसे अपने ओले आते हैं वैसे सिर में लगते हैं, सिर फूट जाता है, वैसा नहीं है यहाँ कुछ भी। यहाँ बाहर घूम फिर के इंजॉय ले सकते हो। और आगे निकलेंगे कुफरी के लिए। जैसा कि हम ये बात आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, इससे 2-3 वीडियो मैंने पहले डाली थी, ये बात मैं उन्हें बता चुका हूँ। लेकिन बहुत कल सुबह निकलेंगे क्योंकि आज तो यहीं पर एंजॉय लेना, भी फुल एंजॉय लेना है। तो और टेम्परेचर तो यहीं लगभग -3-4 के आसपास है, और कुफरी जैसे ही जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर और भी डाउन होएगा, यानी कि -6 से 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होने वाला है। उसी को देखते हुए यहाँ रूम के अंदर हीटर की व्यवस्था की गई है जिस भी होटल में हम रुके हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन उसको भी प्रेस। जी हाँ, और ये वीडियो आपके लिए फुल फनी होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है। ओके बाय।